सब बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ पे जी आज की मॉर्निंग थी और बच्चों ने कहा जी हमने खाने हैं आलू के पराठे तो मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ आलू के पराठे और उसके लिए मैंने धनिया और पुदीना उसको जॉप किया प्याज को भी और यहाँ पे जी आलू जो मैंने बॉयल किए हुए थे उनको मैं जल्दी से मैश कर रही हूँ और इनको मैश करने के बाद इसमें जो मैंने कुछ स्पाइसिस हैं वो ऐड किए हैं और जो मैंने यहाँ पर धनिया पुदीना कट किया था वो सब इसमें ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे जी प्याज़ उसको भी मैंने बहुत बारीक से चॉप कर लिया था और दो मेरे पास थी मिर्चें ग्रीन रेड आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं वो मैंने चॉप करने के बाद ये सब इसमें ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया पुदीना ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसका जायका इसमें बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे थी भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा ही जो है साबुत धनिया और चाट मसाला काला नमक और धादर रेड मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और ये सब मसाले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और चाट मसाला काले नमक से भी इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा और साबुत धनिया उसको थोड़ा सा आप आ, भूनने के बाद उसको जब आप दरदरा सा आप कूट लेंगे तो उसका फ़्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे रेडी होने की इसकी डो जो है वो रेडी हो गई है और अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रखूँगी चाय और चाय बनाने के लिए पहले मैं दूध में इलायची डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ जब ये अच्छा सा बॉयल हो जाता है तो उसके बाद में मेजी पत्ती और चीनी ऐड करती हूँ तो इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर आप देखें जी मेरे बन रहे हैं मज़ेदार से पराठे और इसके साथ साथ मैं आज की जो अच्छी बात है चूंकि यहाँ पे मुहरम का महीना है तो उसी हवाले से मैं आपके साथ आज की अच्छी बात भी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि करबला के जो वाक्य है उससे हमें क्या सबक मिलता है और देखें कि करबला के जो इतना मार्का था जुलम सितम का इसमें अगर रस्तम भी होता तो उसके हौसले भी पस्त हो जाते और उसका सर भी झुक जाता मगर फ़र्जंदी रसूल को मसाइल का एक हजूम अपनी जगह से ना हटा सका उनके अज़म इस्तल में फ़र्क ना आया हक वदाक़त का हामी मुसीबतों की भयानक घटाओं से ना डर सका और तूफ़ान बला के सैलाब से उसके पाए इस्बात में कमी ना आई और राह खुदा में पहुँचने वाली मुसीबतों का खुश दिली से हैर मुक़दम किया अपना घर लुटाना और कुर्बान करना मंजूर कर लिया मगर इस्लाम की इज्जत पर फर्क न आने दिया सरोतन को हाक में मिलाकर अपने जद्द करीम के दीन की एहकानियत को अमली शक्ल दी रेगिस्तानी कोफा के वर्क पर को अमानत पर इस्लाम के लिए जान कुर्बान करके अपने नकोश सबद कर दिए जान के नजराने तक पेश कर दिए लेकिन इस्लाम को बचा लिया घर लुटाना जान देना कोई तुझ से सीख चाहे घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख चाहे जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत और अल्लाह पाक हमें अहल बैत ने जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दी वो कुर्बानी हमारे ही लिए थी अल्लाह पाक हमें इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तोफीक दे और अल्लाह पाक हमें दीन पे इस्तकामत दे मुहरमराम के इतने प्यारे से दिन हैं और अल्लाह पाक हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नकियाँ करने की तोफीक दे और यहाँ पे जी अच्छी बात के साथ साथ मेरे पराठे हो गए थे रेडी और मैं जब पराठे रेडी करती हूँ तो सम टाइम कुछ बंदे जो हैं वो दो आ, छोटे से पेड़े बना लेते हैं उसके अंदर पेस्ट भर देते हैं लेकिन मैं जो है वो एक ही रोटी बेल के उसके अंदर इसकी जो डो है वो ऐड कर लेती हूँ और इससे पराठे जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं और सबसे मज़े की बात यह है जो इसका बैटर है वो फुल किनारों तक अंदर जो है इसका जाता है और जल्दी जल्दी से यहाँ पर पराठे हो गए थे रेडी और बन गई थी मेरी चाय और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप पराठे ट्राई करें तो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि इसके किनारे भी जो हैं उसमें भी अच्छा सा बैटर चला जाए और मैं चाय में डालती हूँ जी ब्राउन शुगर और वाइट शुगर से मैं अवॉइड करती हूँ कहते हैं कि वाइट शुगर जो है एक सफ़ेद जहर है आप भी कोशिश किया करें कि आप जो हैं वो घर में ब्राउन शुगर यूज़ करें शक्कर यूज़ कर लें गुड़ यूज़ कर लें लेकिन जो वाइट चीनी है उससे आप लोग भी ग्रेस किया करें और पराठे हों और अचार ना हो ये नहीं हो सकता आलू के पराठे साथ अचार और सात बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी दही ले ली थी और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी आप चाहें तो इसके साथ इंजॉय कर सकती हैं रायता और साथ गर्मा गर्म चाय आई होप आपको मेरा छोटा सा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और बिलहसूस मुहर्रम के इस प्यारे से बबरक़े महीने में मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरी भी दुआ है आप सबके लिए जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें और खुश रहें आबाद रहें मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लाग में, एक अच्छे से व्लाग में तब तक अपना ख्याल रखें मुझे दें इजाजत फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह टेक केयर